Hello kids, how are you all? I hope you all are well and fine. I welcome you in the English grammar class. Our topic is articles. A, N, the. So students, let's understand where we have to use A, N, the. Students, आज हम articles पढ़ने वाले हैं और articles होते हैं A, N, the. इनका यूज कहाँ पर होता है आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो फर्स्ट लेट्स सी A एंड N. सो फर्स्ट इज लेट्स सी व्हाट इज द पिक्चर ऑफ दिस. दिस इज बैट. ओके सो अ बैट, अ बैग, एन एप्पल, एन ऑरेंज. नाउ स्टूडेंट्स, आपने ये रीड कर लिया है, ये पिक्चर्स हैं और यहाँ पर ए हमने ए का यूज़ करा है, यहाँ पे एन का यूज़ करा है, लेकिन ये हमने क्यों यूज़ करा है लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, सो हमें ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है और द कहाँ लगाना है. वी यूज़ A and N when we talk about one thing. Students, सबसे पहला important point है, जब भी हम किसी single चीज़ के लिए बारे में बात करते हैं तो हम A और N का use करते हैं. Okay, one thing very important you have to remember. N before naming words that begin with a vowel sound. और N कहाँ पर use होता है, जहाँ पर vowel sound होता है. तो vowels कौन कौन से होते हैं students? Vowels होते हैं आपके A, E, I, O, U, ये आपके वॉवल्स होते हैं. सो वॉवल्स में हमेशा हमें N का यूज करना है. ओके सो लेट्स सी A बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और A कहाँ पर हम यूज करेंगे, जिनका साउंड कौन सा होना चाहिए, कॉन्सनेंट्स होना चाहिए. कॉन्सनेंट्स कौन से होते हैं आपके, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम. ओके सो दीज आर द कॉन्सोनेंट्स. आप ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए और बाकी के जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है ना, सो वहाँ पर हम ए का यूज करेंगे. और जहाँ पर वॉवल साउंड आते हैं लाइक An apple, an orange. Okay, so O. O is the A E I O. O is the vowel. And an apple. A is the vowel. So we use N. Now students, the ka use kahan par hota hai? We use the for something specific. Specific matlab particular. Koi bhi cheez bilkul special hai ya koi स्पेसिफिक है. ठीक है, बिल्कुल हमें फॉर एग्जाम्पल द मून मतलब एक ही चीज़ है और वो कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन, द अर्थ. ओके सो कोई भी चीज़, द ताजमहल. ओके सो ये जितने भी हैं इस तरह के, सो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद मोर एग्जाम्पल. ओके use of A or N. Write A or N before each word. Now you have to see first, this is a picture of apple. So we use N because A. A is the vowel. And apple. Lion. L-I-O-N. Lion. So L is consonant. We use A. Elephant. E. E is the vowel. So we use N. B, B double E B. So we use A because B is the consonant. Ice cream. So we use A N N because I is the vowel. Oval. So owl, owl is O. O is the consonant. Sorry, O is the vowel. So we use A N N. E double G egg. So E is the
vowel. We use A-N-N. Now, D-O-G, dog. So, we use A because D is the D is the consonant. Airplane. So, A is the vowel. We use N. Octopus. We use N because O is the vowel. So, let's see uses of the. The sun, because sun kya hai? Specific hai. The earth, the moon. ठीक है, इनका जैसा और कोई नहीं है, अर्थ एक ही है, तो ये क्या है? स्पेसिफिक है. ठीक है, इसलिए हम द का यूज करेंगे. द ताजमहल, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता है, द रेनिंग भास्कर. सो जितने भी जो स्पेसिफिक थिंग्स है बेटा, उनके हम लोग उनके लिए द का यूज करेंगे. एंड वी विल डू मोर एक्सरसाइजेज इन द बुक. सो वी केम टू नो दैट वेयर वी हैव टू यूज ए एंड द. ओके, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर. प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड subscribe my channel. Okay, bye.